coming with me. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'm... Welcome to another vlog. Or मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, पेपर दे के बेच देते हैं यार। कभी कभी ये यूनिवर्सिटी कम मदरसा ज़्यादा लगता है बिल्कुल। लेकिन यार एक बात है, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, आए आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. ठीक आ गया हूं और अब बॉयज का वेट करते हैं, वो थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। पूरी रात पढ़ते रहते हैं यार। ये ग्लासेस मैंने शो के लिए नहीं पहनी, सिर्फ आंखों का हाल देख सकते हैं आप, आंखें खोली नहीं रही बिल्कुल, अजीब। पूरी रात इंसान पढ़ता रहता है ना तो, और हाँ इसीलिए शायद फिकर ना करें, मैं माइक ऑर्डर किया हुआ, माइक आएगा तो इंशाल्लाह कदरे बेहतर कंटेंट और आवाज़ आएगी। तो खैर बॉयज़ पीछे आ रहे हैं तो ये सीन था, और अब इनके साथ रिवीजन करेंगे एक दफ़ा फिर। पार्क सिटी से यार गप्पे तो हमें शुरू से मारनी आती हैं, लेकिन फिर भी एक आधा रिवीजन कर लेते हैं, डेट्स और नाम वगैरह, तो वो ईजिली फिर से हो जाएगा। बाकी ये सीन है और इसीलिए थोड़ा सा डिले आ रहा है, क्योंकि वीडियोस में इसीलिए डिले आ रहा है क्योंकि मिड चल रहे हैं तो आपको पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि ना अगर आप सिर्फ आवारागर्दी करते रहते हैं, और आपके अगर जीपीए ओवरऑल डिक्रीज अच्छा नहीं आ रहा, गिर रहा है, तो आपकी आवारागर्दी बहुत बुरी लगेंगी। अगर जीपीए अच्छा है, उठ ही जा रहा है और आवारागर्दियाँ हैं तो वो अच्छी लगती हैं, खाली आवारागर्दियाँ अच्छी नहीं लगती। तो बस ये बात है गाइस। तो यार सीन फिश हो गया कि लाइब्रेरी का आज दूसरा दिन था आज, मतलब एक दिन लाइब्रेरी हमारी तो उसमें एक दिन लड़कियों का दिन होता है, एक दिन लड़कों का दिन होता है, तो आज लड़कियों का दिन था। तो एक मिनट, तो अब हम इधर लॉन में बैठ के तैयारी करते हैं। मतलब तैयारी हमारी यही होती है कि यार तुम फलाना एक्ट समझा दो, तुम इंडिपेंडेंस एक्ट समझा दिए, तो वो तो बस आपस में हमने बस जेन बिठाना होता है और बस लिखना होता है, तो तैयारी हमारी ऐसे हो जाती है, इट्स नॉट ए बिग डील। पार्क स्टडीज का पेपर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो देर में पेपर स्टार्ट होने वाला है तो उसके बाद आपको पेपर के बाद मिलेंगे। थैंक यू। आप देख सकते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल में आ गए पेपर देने के लिए, और यहाँ पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं राशिद भाई, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में बेशक लगा दूंगा, आप इनको भी शो से हम लव कर दें गाइस। चलो ठीक है, नहीं सही है ऐसे सीखेंगे, ये हमारे सी आई भाई है। और ये भी ब्लॉग में आना चाहिए, पेपर हो गया और हम जैसे बदमाशों को सर बिठाते भी टॉप पे हैं स्टेज पे अपने पास, हमें सर ने आगे अपने पास बुलाए रखा है। खैर हम पढ़ के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, बदमाशियाँ करते हैं, हमारा गर्दी करते हैं, लेकिन पढ़ते भी दिल लगा के। तो पेपर हो गए, पेपर कैसा हुआ ये मैटर नहीं करता, पेपर हो गया ये मैटर करता है। हाँ लड़को कैसा हुआ पेपर? पेपर हमारे ज़बरदस्त ही होते हैं। नहीं पेपर अच्छा हो गया, ऐसे लोग ही टॉप करके बैठे हुए होते तो पेपर हो गए। वैसे भी मौसम भी बड़ा अच्छा है, मौसम बहुत रोमांटिक हो रहा है यार। वैसे आपका कैसा हुआ पेपर? बस पेपर हो गया अच्छा है, ये अच्छा होता है। पेपर कैसा हुआ ये नहीं पूछा करते। अच्छा, और लड़के भी आ गए। तो पेपर डिस्कस करते करते हम घर आ गए और खूब शुगर लगा,
कुछ स्ट्रगल आपको बताया, यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता कैमरे पे, वरना चैनल ग्रो करने से पहले ही ठप हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। जब चैनल मेरा ग्रो कर जाएगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत और बहुत इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव आइडियाज़ हैं मेरे जहन में। आपको भी सैर करवाएंगे मुजफ़्फ़राबाद की, शेखपुरा की, अटक की, मुख्तलिफ़ जगह है पाकिस्तान में, और हो सकता है अब्रॉड की भी करवा दें, नोबडी नोज़। प्लान है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। पॉडकास्ट के भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट्स आएंगे मेरे पास, काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी इल्म के समंदर रखते हैं अपने पास। इस तरह के गेस्ट से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और अच्छी पॉडकास्ट होंगी। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, अंडररेटेड लोग हैं काफ़ी। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा इंशाल्लाह वेरी सून। तो बस अभी खैर कहना ये था कि अभी घर आ गए और रोटी शोटी खाइए दबा के फिर से। और यार ये बाल देख रहे हैं, ये इनको कटवाना है, समझ ही नहीं आती। पेपर करते करते भी ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं, तो थैंक्स टू दिस बाय द वे। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर बड़ा मसला बनता है, तो बाल ज़रा कटवा कटवा के आते हैं, सेट करवा के आते हैं। और एक और काम है वो भी निपटा के आना है, उसके बाद फिर खाना खाएंगे फिर से, फिर से सो जाएंगे। बस यही ज़िंदगी है यार, लेट्स सी। बाल छाल कटवा लिए और कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर आपसे घर जाके मुलाकात करेंगे। लेट्स गो। हेलो, तो यार बाल छाल कटवा लिए और आई होप कि सही लग रहे हो। बारह लब जो हो गए सो हो गए। तो बाइक पाया हूँ, बहुत ठंड लग रही है, अब मैं नहाने वाली हिम्मत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। ड्रेड इधर बेड है, ड्रेड रेस्ट इन पीस हो जाऊँगा यार। तो आज कुछ इतना ख़ास तो नहीं हो माजरत के साथ, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बोर हो गए होंगे। इसी नोट पर व्लॉग को एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप मेरा साथ दें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहा हूँ, 7 महीने तक पाकिस्तान तो दिखाऊंगा ही। मेरी एक कोशिश है, अल्लाह करे दुआ कर लें कि हो जाए। आपको मैं इंटरनेशनल भी कुछ कंटेंट ला के दिखाता हूँ। दुबई का है, दुबई का तो वेरी इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। स्विट्जरलैंड का है, वो उम्मीद है कि हो जाए, कच्चा पक्का सब चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का है, यूएसए का है, बस दुआ करें और इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी इसी नोट पे आपको बहुत बोर कर दिया, बस इसी नोट पे मैं व्लॉग एंड करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। बस थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार। बाय बाय।